प्रसन्न होते। बराबरी का अगर आपने लिया, आपने दिया, वही आप लौटा कर देते हैं। तो जिन लोगों ने हम लोगों के ऊपर राज किया, भारत आजाद होने के बाद भी उन्हीं का राज है, याद रखना। चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ है, इसके सबूत आपको बताए जाते हैं, तो ये सारी समस्या समझ में आ जाएगी। 1947 में अंग्रेज चले गए। भारत का पहला इलेक्शन 1952 में हुआ। 2 सितंबर 1946 को भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बन गया विदाउट इलेक्शन। विदाउट इलेक्शन भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बन गया। 1947 में ही भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण बन गए। 1947 में भारत के सभी राज्यों के गवर्नर ब्राह्मण बन गए। 1947 में सभी के सभी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर ब्राह्मण बन गए। 1947 में से आज तक जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए, 34 हुए, 32 ब्राह्मीण। 47 के आज तक एजुकेशन मिनिस्टर चाहे कोठारी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे कपिल सिंबल हो, ब्राह्मीण। हमारे बच्चों को क्या सिलेबस में पढ़ना आज भी तय हमारा दुश्मन करता है। 1947 से आज तक सीबीआई रो के सारे चीफ ब्राह्मीण। 47 से आज तक वायुसेना, जल सेना, थल सेना के सारे अध्यक्ष ब्राह्मीण। 95% राष्ट्रपति ब्राह्मीण। 95% कोई भी नॉन ब्राह्मीण भारत में 5 साल प्राइम मिनिस्टर पूरा नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर रहते हुए, चाहे वीपी सिंह हो, देवी गोड़ा हो, आई के गुजराल हो, चंद्रशेखर हो, देवीलाल हो, नॉन ब्राह्मीण कभी 5 साल पूरा नहीं किया। आज भी 3% ब्राह्मणों का प्रशासन पर 80% कब्जा है, और 3% ब्राह्मणों का 100% मीडिया पर कब्जा है। है किसकी आजादी? कहां मिली हमारे लिए आजादी? कहां है आजादी? से वो लोग आजाद हुए, आजादी आज भी हमारे लोगों के लिए अफवाह है। आजादी से वो लोग आजाद हुए, आज भी हम लोग आजादी हमारे लिए केवल अफवाह मात्र है। मतलब 50 के बाद पहले भी ब्राह्मण राज करते थे, आज भी ब्राह्मण राज करते हैं। 1952 में पहले इलेक्शन में जवाहरलाल नेहरू ने 3% ब्राह्मणों को 60% टिकट देकर, 56% ब्राह्मणों को चुनवाकर भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर कब्जा किया। न्यायपालिका पर कब्जा हो गया, कार्यपालिका पर कब्जा हो गया, विधायिका पर कब्जा हो गया, मीडिया पर कब्जा हो गया। 3% ब्राह्मणों को 60% टिकट देकर, 56% ब्राह्मण चुनवाकर भारत की डेमोक्रेसी पर ब्राह्मणों ने अपना कब्जा कर लिया। आज भी बरकरार है, आज भी उनका कब्जा बरकरार है। अब ये जो समस्याएं निर्माण हुई, कार्यपालिका, लोकतंत्र के 4 पिलर है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रचार माध्यम, डेमोक्रेसी के 4 पिलर है। ये 4 पिलर ब्राह्मणी व्यवस्था को मजबूत करने का काम करते हैं, ब्राह्मणी व्यवस्था को खत्म करने का काम नहीं करते। जबकि भारत के संविधान में पहले पन्ने पर लिखा हुआ, पहले पन्ने पर,
हम भारत के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हुआ? हम भारत के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। क्या हुआ? भारत में दो संविधान चल रहा है, याद रखना। कागज के पन्नों में इक्वालिटी बिफोर लॉ है और बिहेवियर में, व्यवहार में असमानता चल रही है। दो संविधान एक साथ काम कर रहे हैं। अब न्यायपालिका कैसे काम कर रही है, आपको एग्जाम्पल देता हूं। न्यायपालिका संविधान के विरोध में जाकर काम कर रही है। संविधान का पहला अमेंडमेंट था, रिजर्वेशन इज अ फंडामेंटल राइट। पहला अमेंडमेंट संविधान में हुआ, रिजर्वेशन इज अ फंडामेंटल राइट। और न्यायपालिका अब 99 में कहती है रिजर्वेशन इज ए नॉट ए फंडामेंटल राइट। रिजर्वेशन के अगेंस्ट में न्यायपालिका ने जजमेंट दिया है। न्यायपालिका संविधान के विरोध में जाकर काम करती है, इसके सबूत तीन बीसी के लोगों को ज्यादा भ्रम होता है कि हमारे साथ ऐसा नहीं होता। मैं तीन सबूत आपको देता हूं। एससी एसटी बीसी को 1932 में रिजर्वेशन मिला और बीसी जो 52% है उनको 16 नवंबर 1992, 60 साल के बाद, 60 साल के बाद, और वो भी संविधान के विरोध में जाकर न्यायपालिका ने जजमेंट दिया। कौन सा जजमेंट दिया? भारत का संविधान संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व का प्रोविजन है। एससी एसटी 22.5% है तो 22.5% रिजर्वेशन है। मतलब भारत का संविधान संख्या के आधार को, सिद्धांत को मान्य करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? 52% बीसी को 27% रिजर्वेशन दिया। सिद्धांत के न्यायपालिका, संविधान के सिद्धांत के विरोध में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। और उसमें क्रिमिनल लागू कर दिया, क्रिमिनल लागू कर दिया। संविधान में इकोनॉमिकल क्राइटेरिया कहीं भी नहीं है। वही सुप्रीम कोर्ट 16 नवंबर 1992 को कहती है, 1992 को कहती है एसईपीसी सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, इकोनॉमिकल नहीं है। लेकिन क्रिमिनल क्राइटेरिया पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अंदर डाल दिया, संविधान में नहीं है। संविधान के विरोध में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, संविधान के विरोध में जाकर डिसीजन दिया। मतलब न्यायपालिका एससी एसटी बीसी के लोगों को, एनसीआर करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।